नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जंतर मंतर पर नहीं लौट पाएंगे पहलवान, 36 दिनों के बाद धरना खत्म। दिल्ली में रविवार सुबह से सियासी घमासान चरम पर है। नए संसद भवन के उद्घाटनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन आरोपों के खिलाफ पिछले 36 दिनों से धरने पर बैठे पहलवान अचानक नए संसद भवन की ओर कूच पर निकल पड़ी। नाराज पहलवान नए संसद भवन की ओर कुछ कदम ही आगे बढ़ पाए थे कि दिल्ली पुलिस ने जवानों को दोस्तों बीच में ही हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का पहलवानों ने जमकर विरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लेकर उनके कूच को विफल कर दिया है। इसी के साथ पहलवानों का प्रदर्शन भी समाप्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अब पहलवान दोबारा जंतर मंतर पहुंचकर धरने पर नहीं बैठेंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के बाद धरना स्थल यानी जंतर मंतर पहुंच गई है। इस समय दिल्ली पुलिस द्वारा धरना स्थल को भी हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पहलवानों के धरना स्थल से उनके टेंट और तंबुओं को भी हटाने का काम जारी है। पुलिस के इस रुख से साफ है कि अब पहलवान जंतर मंतर पर दोबारा धरना नहीं कर पाएंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बता दें कि कल यानी कि रविवार को संसद भवन के लोकार्पण के समय इन दोस्तों पहलवानों ने जमकर प्रदर्शन किया है और दोस्तों भवन की और आगे कूच किया था, लेकिन पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है और पहलवानों के लगे टेंट तंबुओं को भी दोस्तों उखाड़ फेंका है। जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि जल्द से जल्द दोस्तों सभी पहलवानों को रिहा किया जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अब तक की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।